कार्ट्रिज का जो है पेज खोल लेंगे, फिर ये जो पन्नी लगी हुई है इसको हटा लेंगे, एक और पेज खोलेंगे, कवर खोल लिए ऊपर का ढक्कन, फिर जो है ड्रम निकाल लिए हम कार्ट्रिज का। अब कार्ट्रिज में दो पिन होती है, पहले हम इसका प्रेशर रोलर निकाल लेंगे ब्लैक वाला पेचकस से, अब वो पिन निकाल रहे हैं, जो पिन लगी रहती है दो पार्ट को एक में जकड़ के जो रखता है, ये एक पिन निकाल लिए हम, इसको साइड में रख दिए। अब हम दूसरी पिन निकालेंगे कार्ट्रिज की पेचकस की मदद से, ये देखिए दूसरी पिन भी निकाल लिए हम। अब हम कार्ट्रिज को अलग कर लिए, इधर एक स्प्रिंग लगी रहती है उसको भी हम निकाल लिए। अब पेचकस से जो है हम स्क्रू खोलेंगे आराम से, अब हम इसका ढक्कन खोल लिए जहां से हम टोनर डालेंगे जिससे हमारी कार्ट्रिज रिफिल होती है। अब हम कार्ट्रिज के डिब्बे को हिला लेंगे और कीप्स की मदद से हम कार्ट्रिज के डिब्बे के ऊपर लगाएंगे, पहले छेद कर लेंगे हम। अब हम जो है कीप को डिब्बे के ऊपर कस लिए, अब इसी के अंदर डाल के डिब्बे की पूरी कार्ट्रिज जो है डाल देंगे कार्ट्रिज में आराम से धीरे धीरे करके। डिब्बे को आराम से खाली कर लेंगे, डिब्बे को हिला हिला के फिर हम कार्ट्रिज का जो ढक्कन उसको बंद कर दिए, ऊपर से कीप को लगा दिए, फिर इसमें जो है स्क्रू कर देंगे पेचकस की मदद से। धीरे धीरे अब इसका जो है इसमें दो पेच होते हैं, इसको आराम से खोल लेंगे हम। इसके अंदर जो कार्ट्रिज है उसको बाहर कर लेंगे ताकि हमारा जो है प्रिंट आउट बढ़िया से निकले। ये खाली कर लिए हम इसको, इसको खाली करने के बाद में जो है फिर से इस पत्ती को साफ करके उसी स्थान पे कस देंगे। उसी स्क्रू को हम फिर से कस रहे हैं, आराम से धीरे धीरे दूसरा स्क्रू भी लगा रहे हैं। ये हमने इसको कस लिया, फिर से उसके सेटअप को उसी पे बैठा लिया, फिर स्प्रिंग को उसके ऊपर लगा ली हमने। अब
दो पार्ट को एक में कर ले रहे हैं, आराम से बैठा लेंगे। जो पिन निकाली थी उसको लगाएंगे हम, एक पिन लगा दिए, अब इसको हम दबा देंगे आराम से। अब दूसरी पिन भी लगा रहे हैं हम, इसको भी बैठा लिए उसी स्थान पे जहाँ से खोला था वहीं पे लगाएंगे। अब इसी को प्रेशर लोअर जो है इसको उसी स्थान पे लगा दिए, उसके ऊपर से ड्रम को बैठा देंगे। अब कीप को हम लगा देंगे, उसमें जो है स्क्रू को कस देंगे। दो स्क्रू हैं हमारे, इसको आराम से जो हम कस देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इस कार्ट्रिज को कोई भी आराम से रिफिल कर सकता है। अब स्प्रिंग को फिर से उसी स्थान पर लगा देंगे हम पेचकस की मदद से। अभी हमारी कार्ट्रिज जो है रिफिल होकर तैयार हो गई है, हम इसको प्रिंटर में लगा के फिर से चेक कर लेंगे। 26-12 A।